हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। दिस इज सोनम श्रीवास्तव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.4 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। अब हमें इसमें बताना है, ए पार्ट है। सबसे पहले फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, इनके आंसर हमें फाइंड करने हैं। इज 5/9 इक्वल टू 4/5। अब हमें बताना है कि ये फ्रैक्शन जो है, इस फ्रैक्शन के दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम ये कंपेयर करके देख सक चुके हैं कि विच वन इज़ ग्रेटर। सो हम इन दोनों को सबसे पहले कंपेयर करेंगे कि ये दोनों पार्ट इक्वल है कि नहीं। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही यहाँ पे डिफरेंट हैं। जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट होते हैं, देन हम क्या करते हैं, दो वे हैं। या तो आप इक्वेलेंट फ्रैक्शन बनाइए, इन दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, एंड या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दोनों को चेक करेंगे। सो जैसे ए पार्ट है 5/9 एंड 4/5। अब हमें बताना है कि दीज फ्रैक्शन आर इक्वल और नॉट। सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली हम सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5/5 4/9। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5/5 जा 25 एंड 4/9 जा 36। सो यहाँ पे 36 इज ग्रेटर देन 25, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट्स मीन दीज फ्रैक्शन आर नॉट इक्वल। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 5/9 डज नॉट इक्वल टू 4/5। नॉट इक्वल एंड द नेक्स्ट इज बी पार्ट। इज 9/16 इक्वल टू 5/9। अब हमें यहाँ पे इसमें भी चेक करना है, 9/16 इक्वल टू 5/9। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 9 इंटू 9 9 9 जा 81 एंड 16 5 जा 80। सो यहाँ पे भी 81 इज ग्रेटर देन 80, इट्स मीन दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस। सो यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल नहीं है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 9/16 इज डज नॉट इक्वल टू 5/9। एंड द नेक्स्ट इज 4/5, सी पार्ट में है 4/5 एंड सेकेंड फ्रैक्शन है 16/20। देन हम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस 4 इंटू 20 एंड 5 इंटू 16। सो 4 इंटू 20 80 एंड 16 5 जा 80। तो यहाँ पे जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 80। इट्स मीन बोथ फ्रैक्शन आर द सेम। सो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल। सो 4/5 इज इक्वल टू 16/20 एंड यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं बोथ फ्रैक्शन आर इक्वल। एंड द नेक्स्ट इज डी पार्ट। ऐसे ही हम डी पार्ट को चेक करेंगे, डी पार्ट है 1/15 एंड द नेक्स्ट इज 4/30। देन अब हम इस दोनों ये फ्रैक्शन इक्वल हैं कि नहीं ये हम कैसे देखेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करेंगे, 1/30 एंड 4/15। 1/30 31 जा 30 ही होता है, 4 15 4 15 4 जा 60। सो 60 इज ग्रेटर देन 30, बोथ आर नॉट सेम बिकॉज दोनों इक्वल नहीं है। देन हम यहाँ पे भी डज नॉट इक्वल टू लिख देंगे, 1/15 डज नॉट इक्वल टू 4/30 एंड यहाँ पे हम वी कैन राइट हेयर नॉट इक्वल। एंड द नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईला रेड
25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ईला जो है 25 पेज रीड करती है एंड उसमें टोटल बुक में टोटल पेजेस कंटेन है 100 पेजेस, 100 में से 25 पेज जो हैं वो रीड करती हैं। एंड ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, और उसी बुक का ललिता 2/5, ये हमें फ्रैक्शनल पार्ट में दिया है कि ललिता 2/5 पार्ट रीड करती है उसी बुक का। हु रीड लेस, अब इन दोनों में से कौन सा कौन कम पढ़ता है ये हमें बताना है। देन हम इसका फ्रैक्शन 2/5 है एंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन फाइंड करेंगे कि ईला जो है कितना फ्रैक्शन, ईला कितना पार्ट पढ़ती है। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू 100 एंड ईला रीड पेजेस इक्वल टू 25। सो द फ्रैक्शन ऑफ ईला रीड पेजेस इक्वल टू 25, टोटल है 100 एंड 100 में से ईला 25 पेजेस रीड करती है, 25 पेजेस पढ़ती है। सो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 25/100। एंड ललिता रीड कितने, ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। सो फ्रैक्शन ऑफ ललिता रीड ऑफ ललिता रीड पेजेस इक्वल टू 2/5 एंड यहाँ पे हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 25 1 = 25 एंड 25 4 = 100। सो 1/4, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/4, इट्स मीन्स ईला जो है 1/4 बुक का 1/4 रीड करती हैं एंड जो ललिता है वो बुक का 2/5 पार्ट रीड करती है। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि विच वन इज़ द ग्रेटर। सो कंपेयर 1/4 एंड 2/5, अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो इनको कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट हम निकालेंगे 1/5 एंड 4/2, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे क्या होगा, 1/5 एंड 2/4। सो 1/5 इज 5 एंड 4 2 = 8, सो 8 इज़ ग्रेटर देन 5, इट्स मीन 2/5 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है 1/4 एंड यहाँ पे 2/5, इट्स मीन 2/5 इज़ ग्रेटर देन 1/4। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कौन लेस, कौन जो है कम पढ़ती है, हु रीड लेस, सो ईला रीड लेस, किसका फ्रैक्शनल पार्ट कम है, ईला का। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ईला रीड लेस। ओके, दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर, रफीक जो है एक घंटे में 3/6 पार्ट जो है एक्सरसाइज करता है एंड वाइल जबकि रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, हु एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर। अब दो रफीक जो है एक्सरसाइज एक घंटे का 3/6 भाग रफीक एक्सरसाइज करता है एंड रोहित जो है 3/4 वन आवर का 3/4 एक्सरसाइज करता है, इतने टाइम वो रोहित एक्सरसाइज करता है एंड एक घंटे का इतना पार्ट रफीक एक्सरसाइज करता है। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, ज़्यादा टाइम कौन एक्सरसाइज करता है, रफीक या रोहित, दोनों में से। तो हम क्या करेंगे, दोनों के फ्रैक्शन पार्ट को सबसे पहले कंपेयर करेंगे कि दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट दिया गया है, इनमें से कौन सा ग्रेटर है। सो रफीक एक्सरसाइज टाइमिंग ऑफ रफीक एक्सरसाइज
इक्वल टू 3/6 एंड रोहित एक्सरसाइज टाइमिंग इक्वल टू 3/4. नाउ कंपेयर 3/6 एंड 3/4. अब हमें इन दोनों को यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करेंगे, देन हम जानेंगे कि जिसकी टाइमिंग, जो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, इट्स मीन उसने वहाँ पे टाइमिंग क्या होगी, ग्रेटर. सो थ्री, अब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, तो जब भी न्यूमरेटर सेम होता है देन हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है, स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन. सो अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 3, सो 4 इज लेस देन 6, 4 छोटा है 6 से, इट्स मीन ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा. इट्स मीन 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6 एंड 3/4 ये एक्सरसाइज की टाइमिंग किसकी है, रोहित की. सो हु एक्सरसाइज लॉन्गर टाइम देन रोहित, रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट, एक क्लास में 25 स्टूडेंट है, क्लास ए में 25 स्टूडेंट है, 20 पास विद 60% और मोर मार्क्स, जिसमें से 25 स्टूडेंट में से 20 पास हैं विद 60%, जिसमें से 20 जो हैं 60% या इससे ज़्यादा मार्क्स से पास हुए हैं, एंड इन अनदर क्लास, एंड एक दूसरी क्लास बी है ऑफ 30 स्टूडेंट, जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में से 24 पास विद 60% और मोर मार्क्स, जिसमें से 60% या उससे अधिक मार्क्स से 24 स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं. एंड इसमें इन विच क्लास वाज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स. अब इनमें से किस क्लास में ग्रेटर ज़्यादा फ्रैक्शन से स्टूडेंट 60% या मोर देन 60% में ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं, तो किसका ग्रेटर है फ्रैक्शन है. सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड कर, इन विच क्लास वाज ग्रेटर फ्रैक्शन पूछा है, देन हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, दोनों का फ्रैक्शन फाइंड करना होगा. देन हमें ये फाइंड करना है कि किस क्लास में ग्रेटर जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है, कि 60% पास होने वाले स्टूडेंट किस क्लास में ज़्यादा हैं. सो सबसे पहले हम फ्रैक्शन यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए इक्वल, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट पास विथ 60% मार्क्स, सो 20 स्टूडेंट पास विथ 60% और मोर, कितने स्टूडेंट पास हैं 20, सो द फ्रैक्शन इज 20 पास होने वाले स्टूडेंट्स का सबसे पहले हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे. सो 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स में से टोटल स्टूडेंट हैं 25. सो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, 5 की टेबल में 20 भी आता है एंड 25 भी आता है, 5 4 20 एंड 5 5 25, सो द फ्रैक्शन इज 4/5. एंड अब हम ऐसे ही नेक्स्ट फाइंड करेंगे, क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास बी में कितने हैं, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 एंड पास्ट स्टूडेंट
इन क्लास बी इक्वल टू 24 एंड द नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ पास्ट स्टूडेंट इन क्लास बी तो क्लास बी में जो स्टूडेंट हैं कितना फ्रैक्शन होगा जो पास हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट डिनोमिनेटर में टोटल स्टूडेंट एंड न्यूमरेटर में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास हुए हैं क्लास बी में, 24. सो द फ्रैक्शन ऑफ पास्ट स्टूडेंट इज 24/30. अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अब हमें ऐसी टेबल ढूंढनी है जिसमें 24 एंड 30 दोनों ही आए. सो 6 के टेबल में 24 एंड 30 दोनों आता है. सो 6 4 24 एंड 6 5 30. सो 4/5. अब हम देखेंगे क्लास ए एंड क्लास बी दोनों में फ्रैक्शन पार्ट क्या है, सेम है. यहाँ भी 4/5 स्टूडेंट पास होने वाले स्टूडेंट का फ्रैक्शन कितना है, 4/5. एंड यहाँ भी पास होने वाले स्टूडेंट का क्लास बी में जो फ्रैक्शन है वो भी 4/5 है. इट्स मीन बोथ फ्रैक्शन आर सेम. बट हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, इन विच क्लास वाज अ ग्रेटर फ्रैक्शन. तो यहाँ पे किसी का ग्रेटर नहीं है. सो दोनों फ्रैक्शन क्या है, सेम है. सो हम यहाँ पे लिख देंगे बोथ फ्रैक्शन ऑफ पास्ट स्टूडेंट इन क्लास ए एंड क्लास बी आर सेम. सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड वी विल कवर द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.